सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फाजी, जो रिस्पॉन्स आ रहा है फाइटर को लेके, थैंक यू, सोशल मीडिया पे काफी अच्छा आ रहा है। मैंने आपका सोशल मीडिया जब आ रहा था तब चेक कर रहा था, काफी लोग ने रिपोस्ट कर रहे हैं आपके, आपके जो पर्टिकुलर सीन है उसको रिपोस्ट कर रहे हैं। आप अगर कुछ बताना चाहोगे कि इतने टाइम पे किस तरह का रिस्पॉन्स अब तक आपको मिला है? अभी तक अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इवन जो हमारी पूरी टीम है वो काफ़ी खुश है उस रिस्पॉन्स से, बिकॉज ही एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ टीम, आप यही चाहते हो कि आपका काम जो है वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसको अप्रिशिएट करें। राइट, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक हमारी जो मूवी है उसमें काफ़ी ज़्यादा दम है, और पैट्रियोटिक मूवी आपको पता ही है कि काफ़ी कम बनती है, एंड जब बनती हैं तो वी वॉन्ट इट शुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। राइट, तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमने वो अचीव किया है, जैसे लोगों से अप्रिसिएशन जो हमें मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी है उस चीज़ को लेकर। एंड जब हम बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो या फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर गदर टू हो, राइट, मतलब एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है ये जो दो जंग होती है। आपको जब पता चला कि इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट पुलवामा अटैक पे है, फिर एयरफोर्स विच वॉज समथिंग लाइक के पीपल ने अब तक देखा नहीं है कि किस तरह से एयरफोर्स पायलट, हाउ डे वर्क, किस तरह से फाइटिंग होती है, ये एक नया कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है। आपको अगर व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट, तो क्या था आपके माइंड में तभी? सी जब मुझे अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए तो मुझे उन्होंने करेक्टर में बताया कि आई एम प्लेइंग एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड स्पेसिफिकली आई एम प्लेइंग अ चॉपर पायलट। अब सी एज अ ह्यूमन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, एज एन एक्टर ऑल्सो, कि मैं कहीं ना कहीं अपने जो देश की फौज है उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ बड़ी स्क्रीन पे। तो व्हेन इट कम्स टू एयरफोर्स ऑफिसर्स, तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर ने हमारी काफ़ी मदद की। जैसे जब हमारा शूट स्टार्ट होने वाला था तो हमने असम में शूट किया है रियल एयरबेस पे, तो उससे पहले जो था हमारा इंटरेक्शन करवाया गया रियल एयरफोर्स ऑफिसर्स से, हमारी डिस्कशंस हुई, उन्होंने बताया कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे होता है, उनका माइंडसेट क्या होता है बिफोर फ्लाइंग, ड्यूरिंग फ्लाइंग एंड आफ्टर लैंडिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक उन चीज़ों ने हमारी काफ़ी मदद की, एंड एज ए करेक्टर एंड एज एन एक्टर मैंने खुद जो है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। जैसे मुझे जहाँ तक याद है मूवी के लिए मुझे 3 महीने पहले लॉक किया गया था शूट स्टार्ट होने से पहले, तो 3 महीने लगातार मैंने जो है मूवी के बारे में रिसर्च किया, एंड मोस्ट ऑफ द ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स के बारे में रिसर्च किया कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनका रहना सहना कैसे है, क्या डिसिप्लिन होता है, इवन इफ़ यू नो कि हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं सबका सैल्यूटिंग स्टाइल अलग है। तो देन आई वेंट इनटू द रिसर्च कि अगर हम एयरफोर्स वाले ऐसे सैल्यूट करते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज एज अ करेक्टर व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग सम थिंग ऑन द स्क्रीन यू हैव टू बी फुली अवेयर ऑफ कि आप क्या कर रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देन ओनली जो एक करेक्टर है वो बिलीवेबल लगेगा ऑडियंस को भी। एंड कहीं ना कहीं हमारा पर्पस यही था कि इस मूवी के थ्रू हम इंडियन ऑडियंस को बताएं कि इंडियन एयरफोर्स की जो है लाइफस्टाइल कैसा होता है, सॉर्टीज में क्या होता है, आपस में क्या डिस्कशंस होती हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है, कि एज अ टीम कैसे काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमने वो अचीव किया है। राइट, राइट, सैल्यूट की बात की तो सैल्यूट पे कितना रिसर्च किया आपने अब तक, एंड आपका जो सैल्यूट था उसके पीछे कुछ ऐसी अगर कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहो? जी, जैसे मैंने सैल्यूट की बात की इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स में वी सैल्यूटेड लाइक दिस, इसका मतलब ये है कि वी आर ऑलवेज फ्लाइंग, दिस इज अ फ्लाइंग साइन। अब जैसे हमारा फोर्स का है उनका अलग होता है, नेवी है उनका अलग होता है, एंड व्हेन वी वेंट इनटू तेजपुर आल्सो तो वहाँ की इंडियन एयरफोर्स ने हमें इसका महत्व भी बताया कि वाई डू दे सैल्यूट डिफरेंट। कुछ साल पहले सेम था बट कुछ साल पहले ये चेंज आया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट में। एंड आई थिंक जहाँ तक आपने बात की कि इंडियन एयरफोर्स की जो चीज़ें हैं, बिकॉज हर फोर्सेज जो हैं हमारी इंडिया की, वेदर इट बी आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, सबका थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। Obviously, because when you're in Navy, you have to travel through and work on the ships. In Air Force, you have to work through jet fighters. Right. और अपने जो Indian Army है, they work on our borders. तो कहीं ना कहीं I think हमारी जो Indian forces हैं कहीं भी, तो उन सब का एक अलग ही तरीका है काम करने का, एक अलग ही सोच है चीज़ों को लेके। और जब तक आपको उसकी clarity नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा एक्सपीरियंस था इंडियन एयर फोर्सेस के साथ बात करके, उसने कहीं ना कहीं हमारे सबके करेक्टर्स में एक वेटेज डाली जिससे हम वो बिलीवेबिलिटी ला पाए और रियलिटी ला पाए कि क्या होता है एक्चुअल में। सिद्धार्थ जी का विजन क्या था आपके कैरेक्टर को लेके, किस तरह से उन्होंने
अगर शुरुआती समय पे पोर्ट्रे किया था आपके कैरेक्टर को लेके, कैसे एक्सप्लेन किया कि किस इस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए आपका, आपको ये बदलाव लाने चाहिए आपके कुछ फिजिकल लेवल में, ये बदलाव थोड़ा सा फिजिकल लगे, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने शुरुआती दौर में? तो जब जैसे सिद्धार्थ सर ने मुझे अप्रोच किया तो देन वी हैव अ फर्स्ट रीडिंग टुगेदर, उन्होंने मुझे बुलाया करेक्टर का सिनॉप्सिस देने के लिए कि आपका करेक्टर क्या है। एंड मुझे याद है बहुत ही अच्छे से कि उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली, किसी आपका जो करेक्टर है वो काफ़ी स्पेशल और डिफरेंट है, बिकॉज जो बाकी करेक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ बिट प्रोफेशनल बिट कूल, बट आपका जो करेक्टर है आई वॉन्ट दैट करेक्टर कि जब भी वो स्क्रीन पे आए तो ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कान आए। कहीं ना कहीं यू हैव टू ब्रिंग दैट बॉयंट एनर्जी ऑन द स्क्रीन कि जब आपको लोग देखें अच्छा ये आया तो अब कुछ होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कि जो आपका करेक्टर है वो हर किसी सीरियस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ कॉमिकल ढूंढ लेगा। तो कहीं ना कहीं उस डिस्क्रिप्शन ने मुझे बहुत हेल्प की कि जब हम शूट कर रहे थे जितने भी सीन मैंने अप्रोच किए तो कहीं ना कहीं आई ट्राई टू फाइंड दैट एलिमेंट कि कैसे जो इसमें है मैं थोड़ा कॉमिक ला पाऊँ या कुछ डिफरेंट कर पाऊँ। तो आई थिंक एक डायरेक्टर की आपको इंस्ट्रक्शंस देना, एक ब्रीफिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर। आपको लगता है ये जो कॉमिक है ब्लड में ही रहती है? हमने दिलजीत को भी देखा, मंजोत को भी देखा, मंजोत फुकरे में थ्रू आउट तीसरा सीजन आ गया, कॉमिक है सबसे टॉप पे, दिलजीत की कितने भी हो गए उनके भी कॉमिक हमेशा, और आपकी अभी ऐसा लगता है ब्लड में ही है कुछ ये कॉमिक चीज़ें। सी देखो अब जैसे मेरा भी शुरू से लेके अभी तक जो बचपन रहा है, अभी एडल्ट लाइफ चल रही है, तो मैं खुद भी एक बहुत ही खुल दिल वाला इंसान हूँ कि मैं भी हंसता खेलता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे जो आसपास के जो जिसको कहें इन द सिंपल वर्ड्स, हमारी जो ग्रोइंग एज होती है, जैसे अब मैं जो था, मेरे आसपास के जो लोग भी थे पंजाबी जम्मू के, तो हमारा नेचर ही वैसा था। राइट जैसे होता है ना कि कुछ भी हमारी फैमिली में कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं चलो देख लेंगे, अपन देख लांगे, मतलब वैसा नेचर है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, हमेशा से वैसा कि वी डोंट टेक इट ठीक है, अब ऐसा हो गया अब क्या करेंगे, अब ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो टेंशन वाली चीज़ रहती नहीं हमारे दिमाग में। एंड सबसे बड़ी बात जो कहीं ना कहीं हमें अचीव करने को मदद करती है वो है कि हम भगवान में बिलीव करते हैं कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। एंड आई नो सब बिलीव करते हैं, बट आई थिंक इस चीज़ को समझ पाना कि ज़िंदगी में चाहे आपको नाकामयाबी दिख रही है या कामयाबी दिख रही है, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जब आप इस बात को अपने जहन में बसा लेते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है दुखों को बुला के अपनी ज़िंदगी में सुख ही सुख देखने लगते हैं। राइट सिद्धार्थ जी से एक सवाल पूछा आपने कि ये 25 जनवरी के पीछे क्या राज है, 25 जनवरी 2023 को पठान आई, 25 जनवरी 2024 को फाइटर आया, और दोनों कमर्शियली इतना अच्छा कर रही है थिएटरों में। मैं देख रहा था जिस तरह पठान को भी रिस्पांस मिला एंड फाइटर को भी उसी तरह का रिस्पांस मिला, तो आपने पूछा कि 25 के पीछे क्या राज है, और 25 जनवरी 2025 में मैं हूँ क्या नहीं हूँ आपके पिक्चर में? देखो ऐसे सच बताऊँ तो मैंने उनसे पर्सनली तो ये नहीं पूछा, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जब भी कोई पेट्रियोटिक फिल्म आती है तो लाइक 26 को वी हैव अ रिपब्लिक डे, राइट, तो आई थिंक वो एक राइट टाइम होता है एक पेट्रियोटिक फिल्म को रिलीज़ करने का, बिकॉज देन जो है वैसे हमारी ऑडियंस का काफ़ी भाव होता है अपने देश को लेके। अब जैसे पठान में भी देर वॉज सम इंडियन पाकिस्तान इंस्टेंस, और हम अपनी फाइटर में भी है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक, और जैसे गदर अपनी इंडिपेंडेंस पे आई थी, करेक्ट, तो जब भी हमारे देश की बात आती है या कुछ स्टोरी ऐसी होती है पेट्रियाटिक, तो आई ऑल्सो फील कि वो जो है रिपब्लिक डे या 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही रिलीज़ होनी चाहिए। राइट एंड इसके अलावा मैं वो जो बात करूँ ऋतिक जी की जो एंट्री शॉट है, वॉर की याद दिलाई कई फैंस को, आप अगर बताना चाहोगे उस शॉट के बारे में एंड जिस तरह सब लोग खड़े थे देख रहे थे ऋतिक सर को एंड वो फ्लैग से जो बाहर आते हैं, राइट, उस शॉट के बारे में थोड़ा बताइए, पीछे BTS कैसा था उस मूवमेंट का? देखो इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू, तो जब हम भी ऋतिक सर को देख रहे थे तो वी वर ऑल ऑस्ट्रक कि वो जिस तरीके से वॉक करते हैं, जो वो करेक्टर को जिंदा करते हैं, हम यहाँ देखते हुए दंग रह गए थे कि यार हाउ इज ही डूइंग इट, राइट, बिकॉज जब आप कैमरे पे देखते हो कि यार वो जब चल के आ रहे हैं तो उनके चलने में इतनी खूबसूरती है कि आप जो है आपका पूरा दिमाग हिल जाता है कि यार ऋतिक सर जो है, इफ यू टॉक अबाउट वॉर, इफ यू टॉक अबाउट फाइटर, उनकी एंट्रीज ने हमेशा एक अलग लेवल क्रिएट किया है।
और कहीं ना कहीं आई थिंक सिद्धार्थ सर जो हैं उस चीज़ में बहुत अच्छे भी हैं, वो जो है कहीं ना कहीं अपने जो करेक्टर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक और एक काफ़ी अच्छी एंट्री देते हैं। जैसे वी टॉक अबाउट माई ऑल्सो माई करेक्टर ऑल्सो, तो मेरी एंट्री कॉमिक हुई कि ठीक है आई गॉट लेट इन द जो हमारी मीटिंग होने वाली उसमें लेट हो गया मैं। व्हेन इट कम्स टू रितिक सर तो वो भी बड़े पैशनेटली काम करते हैं एंड आई हैव सीन हिम वर्किंग, तो आई कैन अश्योर यू कि उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ जो आप देखते हो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो। बिकॉज उनका मंत्र ये है कि चीज़ को इतनी मेहनत से करो कि जब वो चीज़ दिखे तो आपको चीज़ आसान लगे। जी, इसके अलावा मैं जैसे पहले ही मैंने आया और आपसे पूछा वो सोशल मीडिया की तस्वीर एंड स्पेशली वो जो कैप्शन था कि उनको आइडियलाइज करते करते अब सिल्वर स्क्रीन उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या मोमेंट था जब पहली बार आपने आपकी मुलाकात हुई एंड आपके साथ उनके कोई ऐसा मोमेंट जो दिल के काफ़ी करीब रहा हो आपके? सी सच बताऊँ आपको तो आज जो मैं एक्टर बना हूँ तो कहीं ना कहीं शुरू से मैंने रितिक सर और शाहरुख सर को आइडलाइज किया है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैंने जो अपना सपना देखा एक्टर बनने का तो वो मैंने रितिक सर और शाहरुख सर को देख के ही उस सपने को देखा। और जब जिस सपने की शुरुआत जिस चीज़ से हुई हो, जब आपको सपना पूरा हो रहा और उनके साथ हो रहा है, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मैंने रितिक सर को पहली बार देखा सेट पर जब हम शूट करने गए, तो तब मुझे एकदम से एक रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ साल पहले मैंने सपना देखा था जब मैं उनकी कहोना प्यार देखता था या जब जो है उनकी कोई मिल गया देखता था, तो तब मेरे अंदर आता था कि यार मुझे भी एक्टर बनना है। और आज वो मेरे सामने लाइव मेरे को मौका मिल पा रहा है कि मैं उनको खुद को उनका को स्टार कहलवा पा रहा, तो यार आज मैंने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है ज़िंदगी में। आपने कहा उनसे मैं आपको आइडियलाइज करता था या मैंने उनको बताया, उनका क्या रिस्पॉन्स था इस चीज़ को लेके? क्या आपका फैन बॉय मूवमेंट था कि एकदम सीरियस प्रोफेशनल वाइज या इज माय को-स्टार, कैसा मूवमेंट था वो जो पहली बार आपने आपकी मुलाकात हुई थी तभी? सी आपको मैं थोड़ा इंस्टेंस बताता हूँ, काफ़ी फनी इंस्टेंस था कि जब हमारी इंट्रोडक्शन हुई वी आर ऑल सिटिंग, तो सिद्धार्थ सर ने हम सबको मिलाया ताकि हम कम्फर्टेबल हो जाए। तो हम सब वेट कर रहे थे, एकदम से रितिक सर आते हैं गेट से रूम के अंदर एंड हम सब जो है उन्हें ऐसे देख रहे हैं एंड तभी जो है वो सबसे हाथ मिला रहे हैं, हाथ शेक कर रहे हैं, हाय 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 हाय, एकदम से मेरे पास आते हैं और मुझे हाथ मिला के कहते हैं हाय आई एम ऋतिक रोशन। एंड मैं आगे से हाय आई एम मैं अपना नाम भूल गया एंड वो कहते हैं यस यू आर, आई सेड आई एम बनवीन और मैं इस करेक्टर में इस पिक्चर में सुखी करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ओ नाइस ग्रेट, तो उनका एक वैसा हो रहा है कि आप जब उनको देखते हो आप सब भूल जाते हो कि आसपास क्या हो रहा है। और ये आपने कैमरे में तो देखा ही है, रियल लाइफ में भी जब वो कहीं भी एंट्री लेते हैं कहीं भी आते हैं तो आप जो आसपास की चीज़ें उनको भूल जाते हो, आपकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती हैं। तो ये जो इंस्टेंस था इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, तो उसके बाद देन ऑब्वियसली वो इतने डाउन टू अर्थ हैं और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी वो अपने साथ वालों को कभी ये नहीं फील होने देते कि दे आर लेस। कहीं ना कहीं जो एक एक्टर है जब आप एक बड़े एक्टर या बड़े सुपरस्टार के साथ काम करते हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस आ ही जाती है, बट उन्होंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि उन्होंने हम सबको जितनी हमारी टीम थी सबको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया। कि हम भी फील करते थे कि यार हम भी इम्पॉर्टेंट हैं, हम भी इस टीम का पार्ट है और हम भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है और आप भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। सुखी के किरदार से सबसे बड़ी बात जो आपने रियल लाइफ में सीखी हो और कोई ऐसी बात जो दोनों में कॉमन आपको दिखी हो सुखी और मेरे में? हाँ वही जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि हम दोनों ही कॉमिकल हैं रियल लाइफ में, मैं भी कुछ ना कुछ कॉमेडी ढूंढ ही लेता हूँ हर चीज़ में। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात दूसरी बात कि जैसे आपने देखा होगा कि इंटरवल के बाद सुखी गेट्स इनटू एन इमोशनल स्टेट, राइट? तो मैं भी जो अपनी पर्सनल लाइफ है बहुत ही इमोशनल हूँ, मैं भी जब ऐसे किसी को खोता हूँ या अपने आसपास को तकलीफ में देता देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ। यस, तो जब मैंने सुखी का करेक्टर पढ़ा भी और जब मुझे उसका ब्रीफ भी दिया गया तो आई फेल्ट लाइक कि कहीं ना कहीं यह मैं खुद ही हूँ। क्योंकि जब आपको ऐसा करेक्टर मिल जाए जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है तो उसको निभाना थोड़ा आसान हो जाता है। And it's more like when you leave that character, it become more easy to work on a big project. Yes, yes, yes.
और जब इतने बड़ी मूवी में, इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपको ऐसा करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इससे बड़ी चीज़ एज एक्टर आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। इस मूवी में इसके अलावा अनिल सर भी है, हमने देखी उनकी हाल ही में पिक्चर आई एनिमल, जो इतनी पॉपुलर हुई, इसके बाद फाइटर इतनी पॉपुलर हुई। सर से जब भी मुलाकात होती है तो एक अलग ही चार्म लगता है, जब भी उनको मैं भी कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ सुपरस्टार है जी। आपकी कोई ऐसी बात, कोई एक्सपीरियंस उनसे सीखने जैसे अगर कुछ शेयर करना चाहो जी। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी जैसे हमारी मूवी की स्क्रीनिंग हुई थी 25th को, तो अब जैसे अगर आपको पता हो तो मैंने एनिमल में भी एक छोटा सा करेक्टर प्ले किया है एनिमल मूवी में। तो वहाँ पे एक क्लासरूम वाला सीन है जहाँ रणबीर सर गन लेके आते हैं और मैं वहाँ बैठा हूँ। राइट। अब देखो वो सीन मेरा था रणबीर सर के साथ, मुझे लगा कि यार छोटा सा सीन है तो बाकियों ने कहीं नोटिस किया होगा। अब स्क्रीनिंग पे पिक्चर खत्म होने के बाद मैं बाहर ही खड़ा था एंड आई वॉज टॉकिंग टू समवन एंड सडनली मैंने देखा कि अनिल सर मेरे पास आए, तो ही शुक अ हैंड विद मी कि बेटा अब तो हमारी दो पिक्चरें हो गई साथ में। तो सर आपको कैसे पता? तो ही सेड तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा, तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा सर वो छोटा सा करेक्टर था। देन ही टोल्ड मी कि बेटा जिंदगी में कोई भी करेक्टर छोटा नहीं होता, एज अ एक्टर तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहे हो वो ज़रूरी है, और तुम परफॉर्म कर पा रहे हो वो ज़रूरी है। वो जो मोमेंट था उसने मुझे इतना इंपॉर्टेंट फील करवाया कि जबकि मेरा कोई सीन भी नहीं था सर के साथ, सर ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया मूवी में और फिर खुद आके मुझे बोला। तो आई थिंक वी एज अ एक्टर लिव फॉर दिस मोमेंट, तो इट वॉज सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी। एक आखिरी सवाल, अब किस तरह से आप अपने प्रोफेशनल वाइज हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, लाइक शुरुआती समय है 2024 का, पहला ही मंथ है आज आखिरी तारीख है जी। अब जो बचे 11 मंथ है आपके फैंस को लेके या आपके पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को सॉरी, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट? सी देखो अब जैसे साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, पहले महीने में मेरी पिक्चर आ गई है right. तो आई एम होपिंग कि आने वाले जो 11 महीने हैं वो भी काफ़ी अच्छे बीतें। और जहाँ तक फैंस की बात है, जो फाइटर को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे करेक्टर को इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि एज एन एक्टर मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं, जो सिनेमा देखते हैं, मैं किसी भी तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान ला पाऊँ। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं मैं उसका 10% भी अचीव कर लूँ तो मेरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा सबसे कि अब अपने सपनों को कभी मत मारो, बिकॉज मैंने ये जो सपना है अपनी स्कूल लाइफ में देखा था, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर ये मैंने सपना देखा है तो मुझे इसको पूरा करने की हिम्मत भी ज़रूर रखनी होगी। और आई थिंक उसी हिम्मत की वजह से आज कहीं ना कहीं सपने की शुरुआत हुई, मुझे मेरी पहली पिक्चर मिली जिसमें मेरा इतना अच्छा करेक्टर है। तो आई विल जस्ट से डैट कि बस सपने देखने की हिम्मत रखो, बाकी सपने जो हैं वो खुद पूरे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके करियर को लेके, ऑल द बेस्ट आपके इस साल के जितने भी प्रोजेक्ट आए उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फाइटर प्लस एनिमल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।